ये है हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। तो क्वेश्चन कर रहा है नेम द टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, यानी क्या चाहिए यहाँ पर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना, ठीक। बाय द फ्लोइंग पॉइंट्स एंड गिव्स रीजन फॉर योर आंसर, और इसका रीजन देना है कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है तो क्यों है, ठीक ना। देखो सिंपल वर्ड में कहें तो यहाँ पर बस तीन चार क्वाड्रिलेटरल का ही बात किया है, रेक्टेंगल की बात किया है, पैरेललोग्राम की बात किया है, फिर स्क्वायर की बात किया है। देखो अभी हम कैरेक्टर बता दे रहे हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे, ठीक। देखो जैसे मान लो ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। अब देखो ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर इसमें ए बी बराबर बी डी बराबर सी डी बराबर ए सी है, यानी ये सभी के सभी इक्वल हो, ठीक। और साथ ही साथ क्या चाहिए, इसका जो डायगोनल है यानी ए डी और बी सी ये इक्वल हो, ए डी बराबर बी सी इक्वल हो, तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलेंगे, स्क्वायर, यानी जितने भी साइड्स इक्वल हैं, साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल, तो इसको हम बोल देंगे स्क्वायर। क्या बोल देंगे, स्क्वायर। अगर यही क्या हो कि इस मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी बराबर हो जाए सी डी, यानी जो आमने सामने वाला भुजा है वो बराबर, और ए सी बराबर हो जाए बी डी, क्या हो जाए ए सी बराबर बी डी, और साथ ही साथ डायगोनल है यानी ए डी बराबर हो जाए बी सी, ए डी बराबर बी सी, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, ठीक ना। देखो अगर सभी साइड और डायगोनल इक्वल तो स्क्वायर, अगर दो साइड और दो साइड इधर का और डायगोनल इक्वल तो उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। और मान लो जिसमें क्या चाहिए, केवल ये ए बी बराबर सी डी हो और ए सी बराबर बी डी हो, क्या हो, मान लो ए बी बराबर हो सी डी और ए सी बराबर बी डी, तो उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, ठीक ना। सिंपल हम क्या बोले कि ए बी सी डी मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या चाहिए, जितने भी साइड हैं वो इक्वल और डायगोनल इक्वल, तो स्क्वायर। अगर साइड इक्वल है, मान लो ए बी बराबर सी डी है और ए सी बराबर बी डी है और डायगोनल इक्वल है, तो उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगल, और केवल साइड इक्वल है तो बोलेंगे पैरेललोग्राम, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर है जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, हम सभी का क्या चाहिए, ए बी फाइंड कर लेंगे, बी डी फाइंड कर लेंगे, डी सी फाइंड कर लेंगे, ए सी फाइंड करेंगे, ए डी फाइंड करेंगे और बी सी फाइंड कर लेंगे, और देखेंगे कि ये कौन से कैरेक्टर पर क्या थे फिट बैठता है, जिस कैरेक्टर पर फिट बैठेगा उसको हम उस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बता देंगे। अगर ये सभी जितने साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल आ जाएंगे तो हम बोलेंगे स्क्वायर है, अगर क्या कहते हैं साइड इक्वल आ जाएंगे ए बी बराबर सी डी और ए सी बराबर बी डी तो हम, और ए डी बराबर बी सी आ जाए यानी डायगोनल इक्वल आ जाएगा तो बोलेंगे रेक्टेंगुलर है, और ए बी बराबर सी डी और ए सी बराबर बी डी आ जाए तो हम बोलेंगे पैरेललोग्राम है, ठीक ना। तो यहाँ पर चार पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट में आते हैं, ये सभी निकालते हैं, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को हम इधर फिर से लिख लेते हैं, ठीक। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं, ठीक ना। लेट जैसे ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं जिसका ए पॉइंट हमारा -1, 2 है, फिर मान लेते हैं बी 1, 0 हो जाएगा, सी हमारा -1, 2 हो जाएगा और डी हो जाएगा हमारा -3, 0। अब सबसे पहले हम बताएं क्वाड्रिलेटरल में क्या चाहिए, ये साइड फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे और ये फाइंड करेंगे, उसके बाद डायगोनल फाइंड कर लेंगे, ठीक। और उसके बाद से कैरेक्टर हमको पता चल जाएगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई तो कैरेक्टर इंक्लूड नहीं होता है, एंगल ये सबका कोई लफड़ा ठीक नहीं है, ठीक ना। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं, ठीक ना। ए बी फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला हमारा होता है x2 - x1² + y2 - y1² तो x2 क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, x1 क्या हो जाएगा तो -1, और -1 क्वेश्चन से और माइनस फार्मूला से तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा तो 0 और -0 + 2² फाइनली ए बी बराबर क्या हो जाएगा तो 1 + 1 यानी 2² कितना होता है तो 4 होता है, और +2 तो 2² कितना 4 यानी 4 + 4 फाइनली क्या आ गया √8। इसको अगर बाहर लिखना हो तो 2√2 के यूनिट, ठीक। ये हमारा ए बी आया, उसी प्रकार क्या फाइंड करेंगे, अब कि हम फाइंड कर लेंगे बी सी बराबर क्या होगा, तो बी सी में भी क्या चाहिए आपकी ये x2 हो जाएगा ये x1 और ये y2 ये y1, तो ये हमारा -1 है और -1 x1 हो जाएगा स्क्वायर +2 - 0² होगा। उसके बाद क्या चाहिए -, तो हो जाएगा -2² और +2² -2² कितना तो 4 और +4 ये भी कितना आ गया सेम ही आ गया √8 फाइनली क्या चाहिए 2√2 यूनिट। अभी हम क्या चाहिए ए बी और बी सी निकालें, अभी क्या निकालेंगे आपकी सी डी निकालेंगे, उसके बाद डी ए निकालेंगे, ठीक ना। तो सी डी निकालते हैं, सी डी बराबर क्या हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा
एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू कितना है माइनस थ्री और एक्स वन कितना है तो माइनस वन, तो माइनस वन और माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा वन का स्क्वायर, ठीक ना। प्लस वाई टू माइनस वाई वन यानी जीरो माइनस टू का स्क्वायर, फाइनली सी डी। तो माइनस थ्री प्लस वन कितना था माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर। तो माइनस टू का स्क्वायर कितना होता है तो प्लस फोर हो जाएगा और प्लस फोर, ये भी क्या चाहिए सेम ही यानी टू रूट टू यूनिट। अभी क्या चाहिए हम तीन ही साइड निकालें, ए भी निकालें, बी सी निकालें, सी डी निकालें, अब निकालेंगे हम डी ए, ठीक ना। डी ए बराबर हमारा हो जाएगा क्या चाहिए, डी हमारा है डी ए ना, तो एक्स टू इसको एक्स वन इसको वाई टू इसको और वाई वन इसको, तो माइनस वन और माइनस थ्री है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस थ्री का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा तो वाई टू माइनस वाई वन यानी माइनस टू और माइनस जीरो, माइनस टू और माइनस जीरो का स्क्वायर। अब माइनस वन और प्लस थ्री कितना होता है तो टू हो जाएगा और प्लस माइनस टू का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक ना। टू का स्क्वायर फोर और माइनस टू का स्क्वायर भी फोर है यानी फाइनल क्या आ गया अंडर रूट एट, ये भी हमारा टू रूट टू यूनिट आया। अभी क्या चाहिए, अभी तो पूरा कैरेक्टर नहीं, अभी डायगोनल भी बचा हुआ तो डायगोनल भी निकाल लेते हैं ताकि लास्ट तक पता चल जाए, ठीक। तो अब हम निकालेंगे इसको हम ए बी सी डी, ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड निकल गया, अब ए सी और बी डी निकाल लेते हैं। तो ए सी, ए सी पर आते हैं, तो ए सी तो ए और सी तो हम एक्स टू इसको मानेंगे एक्स वन इसको मान लेंगे तो हम वाई टू इसको और वाई वन इसको, तो एक्स टू माइनस वन हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस वन का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा तो एक्स टू यानी टू हो जाएगा और प्लस टू, क्योंकि देखो माइनस फार्मूला से और माइनस इसमें इसलिए, ठीक ना। माइनस वन और प्लस वन जीरो का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, फाइनली क्या आ जाएगा तो अंडर रूट सिक्सटीन, जिसका वैल्यू कितना होता है तो फोर यूनिट, ठीक। उसी प्रकार ए सी हो गया, अब की निकालेंगे हम बी डी, बी डी बराबर भी सेम ही फार्मूला, ठीक। तो बी डी एक्स टू क्या है, एक्स टू हमारा माइनस थ्री है, माइनस थ्री और एक्स वन हमारा माइनस वन, ठीक ना, माइनस सॉरी हाँ माइनस वन स्क्वायर प्लस जीरो प्लस जीरो का स्क्वायर। अब देखो माइनस थ्री और माइनस वन माइनस फोर का स्क्वायर और प्लस जीरो का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो माइनस फोर का स्क्वायर कितना सिक्सटीन और प्लस जीरो, एंड ये भी कितना आ गया तो सिक्सटीन आ गया इक्वल टू फोर यूनिट। अब हम चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या इक्वल आया, ठीक। तो इसमें हम देख रहे हैं ए बी बराबर है टू रूट टू यूनिट, बी सी बराबर टू रूट टू यूनिट, टू रूट टू यूनिट और टू रूट टू यूनिट, यानी जितने भी साइड हैं वो इक्वल आ गए। यानी यहाँ पर लिखते हैं क्या आ गया तो ए सी बराबर बी डी आ गया, सॉरी ए सी बराबर बी डी नहीं, ए बी बराबर बी सी, ठीक ना, ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर डी ए, कितना है तो टू रूट टू यूनिट, यानी क्या चाहिए साइड इक्वल हो गया। अब डायगोनल कितना है, डायगोनल ए सी और बी डी दोनों फोर यूनिट, यानी डायगोनल ए सी और बी डी फोर यूनिट। तो क्या चाहिए जब ये साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल तो क्या चाहिए, हेंस द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज क्या चाहिए हो जाएगा स्क्वायर, ठीक ना, यानी देयरफॉर द गिवन वर्टिसेस ऑफ ए वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, यही ना ऑफ ए स्क्वायर, ठीक। सिंपल था क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन, ये था जिसमें ए बी सी और डी पॉइंट्स थे, ठीक। तो इसमें ए बी बी सी सी डी और डी ए निकाले, उसके बाद ए सी और बी डी निकाल लिए। निकालने के बाद देखिए कि जितने भी साइड्स थे वो इक्वल आ गए और डायगोनल भी इक्वल आ गए, तो देयर फॉर द गिवन वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, यानी क्या चीज जो हमारा वर्टिसेस दिया हुआ है वो किसका है तो स्क्वायर का है, ठीक। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, अब आते हैं इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर, ठीक ना। तो ये है हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन, तो सेकेंड नंबर में कितने टोटल चार पॉइंट्स हैं, तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं ऐसे ही ए बी सी और डी। सबसे पहले क्या करेंगे तो हम निकाल लेंगे ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी डी और उसके बाद डी ए, फिर उसके बाद क्या चाहिए डायगोनल निकाल लेंगे ए सी और बी डी, सिंपल। और उसके बाद देखेंगे कि कौन से कैरेक्टर पर ये फिट बैठ रहा है, उस कैरेक्टर के अनुसार इसका हम नाम दे देंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट ए बराबर, ए बराबर क्या चाहिए हो जाएगा तो माइनस थ्री कॉमा फाइव, बी मान लेते हैं हम थ्री कॉमा वन, सी मान लेते हैं जीरो कॉमा थ्री और डी मान लेते हैं हम माइनस वन कॉमा माइनस फोर।
सिंपली सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, ए बी, क्या चीज, ए बी। फार्मूला क्या होता है, तो एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी देखो एक्स टू माइनस एक्स वन यानी थ्री, माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, थ्री प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस वन माइनस होगा। अब देखो तो थ्री थ्री कितना हो जाएगा तो सिक्स हो जाएगा, सिक्स का स्क्वायर हो गया। अब प्लस वन में से फोर फाइव गया तो कितना हो जाएगा माइनस फोर, माइनस फोर का स्क्वायर यानी छः छः छत्तीस हो गया, और माइनस का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर सोलह, यानी छत्तीस प्लस सोलह जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा छः छः बारह, और तीन एक चार एक पाँच, यानी अंडर रूट फिफ्टी टू यूनिट, ठीक ना, ठीक। अब देखो ये तो हमारा ए बी निकल गया, अब क्या चाहिए, उसके बाद बी सी निकालेंगे, ठीक ना, उसके बाद सी डी, तो बी सी निकालते हैं। चलो बी सी, बी सी में क्या चाहिए, सेम फार्मूला क्या हो जाएगा, तो जीरो माइनस थ्री हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स टू ये एक्स वन, वाई टू और वाई वन, ठीक ना, तो जीरो माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा थ्री माइनस वन का स्क्वायर। अब देखो जीरो माइनस थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो माइनस थ्री हो जाएगा स्क्वायर प्लस थ्री में से वन गया तो टू का स्क्वायर होगा, होगा ना, तो माइनस थ्री का स्क्वायर कितना, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और थ्री का स्क्वायर नाइन और टू का स्क्वायर फोर, फाइनली कितना आ गया अंडर रूट थर्टीन यूनिट। अभी क्या चाहिए, ए बी बी सी, अभी और दो चीज बचा हुआ है, क्या बचा हुआ, एक सी डी बचा हुआ है और एक ए डी, तो सी डी हम यहाँ निकाल रहे हैं, ठीक ना, सी डी, सी डी बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट क्या है सी डी, यानी इसको हम एक्स टू मानेंगे, इसको एक्स वन और इसको वाई टू और इसको वाई वन, तो एक्स टू कितना है तो माइनस वन माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस माइनस फोर और माइनस थ्री का स्क्वायर होगा, हो कि नहीं। अब माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, अब माइनस फोर और माइनस तीन कितना होता है तो माइनस सात का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर वन और सात माइनस सेवन का स्क्वायर उनचास, यानी कितना आ गया अंडर रूट पचास यूनिट, ठीक। तो अभी हम क्या चाहिए, ए बी निकालनी है, बी सी निकालनी है, सी डी निकालनी है, अब क्या चाहिए ए डी निकालते हैं, क्या निकालते हैं ए डी, ठीक ना। चलो ए डी, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें भी क्या चाहिए, एक्स वन इसको मान लेंगे, एक्स टू इसको मान लेंगे, वाई वन इसको और वाई टू इसको, तो माइनस वन और माइनस थ्री है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस थ्री हो जाएगा, ठीक ना, प्लस उसके बाद क्या होगा तो माइनस फोर और माइनस फाइव, माइनस फोर माइनस फाइव का स्क्वायर। अब तो माइनस वन और प्लस थ्री कितना हो जाएगा तो टू का स्क्वायर, और माइनस फाइव और माइनस फोर कितना हो जाएगा तो माइनस नाइन का स्क्वायर होगा। अब टू का स्क्वायर कितना फोर, और माइनस नाइन का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर प्लस और नाइन का स्क्वायर एट्टी वन, फाइनली कितना आ गया अंडर रूट एट्टी फाइव यूनिट। देखो अगर ये सब क्या चाहते हैं, देखो यहाँ पर अब क्या चाहिए, ए बी आ गया हमारा अंडर रूट फिफ्टी टू, या अंडर रूट फिफ्टी, या अंडर रूट थर्टीन, और ये अंडर रूट एट्टी फाइव। तो यहाँ पर क्या चाहिए, अगर ए बी, ए बी बी सी और सी डी और डी ए अगर सभी इक्वल रहते तो हम क्या चाहिए ए सी और बी डी निकाल कर फिर से और क्या चाहिए आगे का चेक कर लेते, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नॉट एक भी साइड इक्वल ना है, ना ए बी बराबर बी सी है, ना बी सी बराबर सी डी, कोई साइड इक्वल नहीं है, सभी के क्या चाहिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आए हैं, तो क्या चाहिए ये कोई हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा किसी भी टाइप का नहीं, तो सिंपल इसको अगर रीजन लिखना होगा तो लिख सकते हो, लिख सकते हो इट कैन बी ऑब्जर्व डैट ऑल साइड्स लेंथ आर डिफरेंट, लेंथ आर डिफरेंट, सो इट कांट सेड टू बी एनी स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक ना, क्वाड्रिलेटरल, इट कैन बी ऑब्जर्व डेट ऑल साइड्स लेंथ आर डिफरेंट, तो यहां पर क्या चाहिए ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जितने भी साइड्स है क्या चाहिए डिफरेंट है, सो इट कैंट सेट टू बी एनी स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल, इसलिए हम क्या चाहिए इसको कोई भी स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं कह सकते, ठीक ना। सिंपल क्वेश्चन था, हम क्या किए सबसे पहले ए बी निकाले, उसके बाद बी सी निकाले, सी डी निकाले और ए डी निकाले, और सिंपल देखे कि कोई भी इक्वल नहीं आ रहा है तो लिख दिए कि कोई भी जिस साइड का लेंथ जो है क्या चाहिए इक्वल नहीं है, सभी डिफरेंट हैं, इसकी वजह से हम ये कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल का नाम नहीं दे सकते, ठीक ना। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बच गया था, ये कौन सा,
थर्ड नंबर क्वेश्चन ना, थर्ड नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ये है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। तो इसमें भी क्या चाहिए, यही चेक करना है कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। तो सिंपल, सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी डी यही ना है, ए बी सी और डी। हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे और ए सी और बी डी। और उसके बाद देख लेते हैं कौन सा कैरेक्टर पर फिट बैठेगा और उसके बाद हम उस क्वाड्रिलेटरल का नाम दे देंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए बी, क्या चाहिए, ए बी। सबसे पहले इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट ए 4.5 है, बी है हमारा 7.6 और सी है हमारा 4.3 और डी है हमारा 1.2। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम निकालते हैं ए बी, ठीक ना। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो x2 - x1। तो x2 कितना, 7-4, अब तो याद हो गया होगा, 7-4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 6-5 का स्क्वायर, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो 7-4 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा, 6-5 कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर। फाइनली 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, यानी क्या आ गया, √10 यूनिट, ठीक। ये हमारा ए बी आया। उसके बाद क्या चाहिए, हम बी सी निकालते हैं। बी सी में भी क्या चाहिए, सेम फार्मूला। तो बी सी यानी इसको x2 x1 यानी 4-7 का स्क्वायर प्लस सी क्या चाहिए, 3-6 का स्क्वायर होगा। उसके बाद सॉल्व करते हैं, तो 4 - 7 = 3 माइनस में स्क्वायर प्लस 3 - 6 गया, यानी ये भी -3 का स्क्वायर। फाइनली कितना आ गया, तो -3 का स्क्वायर 9 और ये भी 9, यानी फाइनली √18 यूनिट, ठीक ना। अभी क्या चाहिए, ए बी निकालनी है, बी सी निकालनी है, अब क्या निकालेंगे, निकालेंगे हम सी डी। सी डी में भी क्या चाहिए, सी डी में ए इसको मानेंगे x2, इसको मान लेंगे x1, 1-4 का स्क्वायर प्लस 2-3 का स्क्वायर होगा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1-4 यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में प्लस 2 - 3 गया कितना हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 - 3 का स्क्वायर 9 हो गया और -1 का स्क्वायर 1 हो गया। फाइनली क्या आ गया, √10 यूनिट, ठीक। अब ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया, अब निकालेंगे हम ए डी, क्या निकालेंगे, ए डी। ए डी तो यहाँ पर क्या चाहिए, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेंगे x1, ठीक ना। तो 4-1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, तो 5-2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 - 1 गया 3 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 गया ये भी 3 का स्क्वायर, ठीक ना। तो 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 का स्क्वायर 9, फाइनली क्या आ गया, √18 यूनिट। तो क्या चाहिए, ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, सी डी निकाल लिए और ए डी निकाल लिए। अब क्या चाहिए, हम निकालेंगे ए सी और बी डी, ठीक ना। तो ए सी और बी डी निकालते हैं, ए सी, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, वही x2 x1 यानी 4-4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, तो 3-5 का स्क्वायर, ठीक ना, बराबर 4 का स्क्वायर कितना, 4-4 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3-5 यानी -2 का स्क्वायर। फाइनली क्या हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर कितना, तो 4 और 0 का स्क्वायर 0 यानी 4 का, यानी इसका वैल्यू कितना होगा, 2 यूनिट। उसी प्रकार क्या चाहिए, एक बचा हुआ है बी डी, उसको निकाल लेते हैं, बी डी। बी डी तो बी डी में क्या चाहिए, तो बी और डी है ना, तो 1-7 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, 2-6 का स्क्वायर बराबर क्या चाहिए हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 1-7 यानी -6 का स्क्वायर प्लस 2-6 यानी -4 का स्क्वायर। फाइनली क्या आ जाएगा, तो -6 का स्क्वायर कितना, 36 और 4 का स्क्वायर 16 यानी √52 यूनिट। अब चेक करते हैं कि किसके अनुसार आते हैं। चलो सबसे पहले ए बी देखते हैं, ए बी का वैल्यू √10, बी सी का वैल्यू √18, √10, √18। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ए बी बराबर है, क्या चीज, ए बी बराबर है सी डी, क्या है, ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर सी डी, और क्या है, और है बी सी, बी सी बराबर है ए डी, क्या है, बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी, और ये हमारा डायगोनल इक्वल नहीं है, डायगोनल इक्वल नहीं है, ठीक ना, ए सी बराबर बी डी। अब चलो अभी हम तुरंत बताए थे कि क्या चीज़, कि जब आमने सामने वाला भुजा बराबर हो, ए बी बराबर क्या चीज़ हो, डी सी हो, ए बी बराबर क्या चीज़ हो, डी सी और ए डी बराबर बी सी और डायगोनल इक्वल ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, क्या चीज़ बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज़, देयरफॉर
द गिवन वर्टिसेस मेक्स पैरेललोग्राम, ठीक ना? सिंपल, क्या चीज? यहाँ पर देखें ए बी बराबर है सी डी और बी सी बराबर है ए डी, और ये डायगोनल इक्वल नहीं था, तो क्या चीज़ हम कह रहे थे कि जब साइड दो को साइड इक्वल हो जाएगा तो क्या चीज़ उस क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक ना? तो सिंपल क्या चीज़, तो ये हमारा जो सिक्स नंबर क्वेश्चन था जिसमें हमको ये पता करना था कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल होंगे, तो पहला हमारा क्या चीज़ स्क्वायर आया, दूसरा आया हमारा क्या चीज़ दूसरा कोई भी प्रकार का क्वाड्रिलेटरल नहीं मिला, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल था, और हमारा ये पैरेललोग्राम, इसमें सभी साइड्स इक्वल थे और डायगोनल इक्वल, स्क्वायर इसमें केवल जो हमारा आमने सामने की भुजा था वो इक्वल, ठीक ना? और इसमें कोई इक्वल मिला ही नहीं, ठीक? तो ये भी क्वेश्चन सिक्स नंबर था वो कंप्लीट। अगर किसी को कोई डाउट है तो क्या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू।